कि लाइक like टेंथ तक तुम क्या करते थे जो स्कूल में पढ़ाया एज इट इज वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आता था राइट लेकिन अब जो इलेवेंथ ट्वेल्थ में जो तुम पढ़ोगे है ना तो वो चीज हमको सीखना है मतलब उन कॉन्सेप्ट को हमको सीखना है और क्वेश्चन अब वैसे नहीं आएंगे जैसे टेंथ नाइन टेंथ में आया करते थे अब क्या होगा जो हम सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करने पड़ेंगे खुद की बुद्धि से जैसा क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे या जैसे हम बातें करेंगे ऐसे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है अब मेन क्या है हमको अपना ब्रेन डेवलप करना है ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई कर सके ठीक है जो भी हम सीखे उनको ठीक से अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या करना है आप करो प्रैक्टिस पहल के करो प्रैक्टिस ठीक है तो सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो सबसे पहले ये सोचो कि क्या उसकी टर्म्स क्या उसमें जो लैंग्वेज है वो अपन को समझ में आ रही है कि नहीं अगर हमें लैंग्वेज वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप एक डिक्शनरी रखो अपने पास ठीक है उस डिक्शनरी का यूज करो सो so दैट जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग समझ सको कई बार होता है हम वर्ड्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं मतलब कहीं पे कोई वर्ड लिखा है तो उसके आगे पीछे का जो सेंटेंस है उसको सोच के हम वर्ड के बारे में समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ होगा इसका मतलब बट ये चीज गलत है क्यों गलत है क्योंकि आप बस सोच रहे हो ना वो क्या है आपको एग्जैक्टली exactly अभी भी पता ही नहीं चला कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है तो सबसे पहले एक डिशन रखो और चीजों को फॉर ग्रांडेड मत लो बिल्कुल कैजुअल काम मत करो एकदम अटेंटिवली केयरफुली करो हर चीज को अपन को सही सही समझना है सबसे पहले ये चीज़ आप नोट करो ठीक है तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को देखो क्या अपन को लैंग्वेज समझ आ रही है क्या उसका कॉन्सेप्ट अपन को आता है ठीक है अब जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने दो बातें आएंगी तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं तो क्लिक करते हैं कि ये बनेगा या तो आएगा कि ये तो ऊपर से जा रहा है एकदम ही ऊपर से गया तो अगर आपको बनता है वो तो उसमें एकदम भिड़ के लग जाओ ठीक है होमवर्क कर रहे हो या एग्जाम में कर रहे हो सब समय ये पॉइंट को ध्यान रखना अगर आपको वो क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा है क्लिक ही नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो ठीक है तो ऐसे कर करके क्या करो आप छोड़ छोड़ के क्वेश्चन किया करो तो उससे क्या होगा आपका होमवर्क या एग्जाम में जो पेपर है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा जो जो अपन को आता है वो तो अपन बना ही लेंगे है ना और जो नहीं आता वो अपने लिए रह जाएगा ठीक है तो आप क्या करो इस तरीके से छोड़ छोड़ के पहले तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ठीक क्वेश्चन अगर नहीं आता फिर आप एनालाइज करो लास्ट में सब घूमवर्क वर्क करने के बाद एग्जाम के पेपर होने के बाद कि वो क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आ रहा क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनता क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्या आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है कि वो कॉन्सेप्ट ही अच्छे समझ नहीं आया तो अपन को उसको पढ़ने की जरूरत है उसको रिवाइज करो उसके टर्म समझो दिक्कत है तो अपने टीचर से बात करो अपने दोस्तों से बात करो ठीक है सबसे पहले अपने अच्छे एक दोस्तों का ग्रुप बनाओ उनके साथ क्वेश्चन वगैरह को कॉन्सेप्ट वगैरह को डिस्कस किया करो जितना ज्यादा आप डिस्कस करोगे ना उतना अच्छा आपका थॉट प्रोसेसिंग अच्छा होगा ठीक है तो एक तो ये है कि अपन खूब पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा ठीक है अब पढ़ाई के साथ दिक्कत क्या है देखो आप लोग सब इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सब देखते रहते हो गेम्स खेलते रहते हो अब इनमें मुसीबत क्या होती है इनमें मिलता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोले तो अपन ने खटैक से क्लिक किया और अपन को खटैक से रिजल्ट मिलता है है ना अब पढ़ाई के साथ ये है कि भाई एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ठीक है समय लगता है चीजों को होने में तो आज एक चीज पढ़ी वो थोड़ी समझ में आई सिक्सटी परसेंट समझ में आई एक दो हफ्ते बाद उसको वापस पढ़ो तब वो एट्टी परसेंट आएगी थोड़े टाइम बाद और पढ़ो तो वो एट्टी से नाइन्टी परसेंट हो जाएगा हंड्रेड करते करते टाइम लगेगा ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार में या एक शॉर्ट में आप सारी चीज सीख जाओ ठीक है तो सबसे पहली चीज यह कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है रिविजन करते रहना है बार बार चीजों को पढ़ते रहना है ठीक है टर्म्स को समझना है डिक्शनरी लेके बैठना है कि भैया नहीं बने तो उन वर्ड्स को अच्छे समझो ठीक है प्लीज किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लो कैजुअली मत लो एकदम केयरफुली करो अच्छे से चीजों को पढ़ो समझो और भेजे में डालो ठीक नेक्स्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था वो ये बात है कि यार आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताओ कि आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए लाइक क्या कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है या किन किन टॉपिक्स से आपको डर लगता है किन टॉपिक्स पे वीडियोस आप चाहते हो ठीक है वो मुझे कमेंट्स में बताओ सो so दैट मैं वीडियोज बनाऊ और बाकी इस चैनल को यूज करने का जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट है ठीक है उसकी मैंने प्ले बना रखी है आप देखना तो उन प्ले में जाके जो भी जैसे बेसिक मैथ में आपको आ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है या फंक्शन नहीं समझ में आते हैं इस तरीके से बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में चले आओ उसके अंदर आप देखोगे तो वो वीडियोस रखी है तो वीडियोस आप देख लो इसके बाद अलग अलग टॉपिक्स के मैंने वीडियोस बनाए हैं प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाई है कि हर एक प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग वीडियोज है प्रॉपर टॉपिक्स है और सारे सीक्वेंस में बनाया मैंने तो एक एक करके आप सीक्वेंस में उनको देखो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको अच्छे समझो अगर कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट आता है तो उसको एक बार नोट डाउन करके लिखो ठीक है थोड़ा एफर्ट लगाना और सीखो और एक्स्ट्रा मेहनत करो जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे ना उतना ही आपको फायदा होगा ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट मारो और कोशिश करो कि जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं जो भी पॉइंट नहीं समझ में आता वो मुझसे ला डिस्कस करो अगर मैं कभी फ्री नहीं रहता हूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है फोन नंबर में बहुत ज्यादा नहीं देता हूँ क्योंकि फिर फोन आके मेरी हालत खराब हो जाती है ठीक है तो मैं फोन पे बहुत बार एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या ऑफिस uh, आवर्स में क्लास के टाइम पे आप मुझसे मिल सकते हो डाउट के टाइम पे ठीक है तो मुझे प्लीज इस वीडियो में जरूर बताना क्या क्या आप और सीखना चाहते हो और किन किन टॉपिक्स पे किन किन बातों के बारे में आप और जानना चाहते हो वो मुझे डेफिनेटली बताना तो मैं उस पर और वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ ठीक है और अभी सेटअप थोड़ा चेंज हो रहा है मैं अपना रूम शिफ्ट कर रहा हूँ अगेन पिछले रूम से अब एक और रूम है अब अगेन मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो बड़ा गोलमाल चल रहा है ठीक है सो तो जल्दी सारे वीडियोज वापस से रेज्यूम करूंगा बनाना एंड टेक केयर सब लोग ध्यान रखो और खूब मेहनत करो ठीक है गिव अप नहीं मारना है गिव अप मारोगे तो गेम ओवर ठीक है गिव अप नहीं करना तो लगे रहो इसी के साथ ठीक है बाय बाय